ये हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकल हार्ट है, इसका हमारे पास कट सेक्शन है, इसके अंदर इनिशियल स्टेजेस ऑफ द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डेवलपमेंट है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो ये हमें एक सेप्टम नजर आ रहा है, दिस वन इज नोन एज द ब्लूइश में सेप्टम प्राइमम। ठीक हो गया। अब ये जो हमें एक ओपनिंग नजर आ रही है, एक्चुअली दिस इज द साइनो एट्रियल ऑरिफिस। ठीक है, और ये जो हमें वाल्व नजर आ रहा है, दिस वन इज नोन एज द राइट वीनस वाल्व एंड दिस इज नोन एज द लेफ्ट वीनस वाल्व। दिस इज द राइट वीनस वाल्व, दिस इज द लेफ्ट वीनस वाल्व एंड दिस इज द सेप्टम स्पूरियम। दिस इज द सेप्टम स्पूरियम, दिस इज द सेप्टम प्राइमम। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये हमारे पास एंडोकार्डियल क्वेश्चंस इन्हें कहते हैं। ठीक है, ज्यादा स्पेसिफिक होना है, सो दिस इज द राइट एंडोकार्डियल क्वेश्चन एंड दिस इज द लेफ्ट एंडोकार्डियल क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे पास ये जो इनवेजिनेशन आ रही है, ठीक है, दिस इनवेजिनेशन, ये असल में अभी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का जो हमारे पास मस्कुलर पार्ट है वो बनना शुरू हुआ है, जिसे हम कहेंगे मस्कुलर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक हो गया। एंड क्या कहते हैं, ये हमारे पास आ रहा है द राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये जो हमारे पास सेप्टम प्राइमम है ना, इसके अंदर ये जो इतनी ओपनिंग नजर आ रही है, दिस इज द ऑस्टियम प्राइमम। ठीक हो गया। और ये जो ओपनिंग नजर आ रही है हमें लेफ्ट एट्रियम के अंदर, हमें पता ही है कि क्या ओपन होता है, ये इनिशियल स्टेजेस हैं, तो ये पल्मोनरी वेन ओपन हो रही है। और ये जो ग्रे के अंदर होता है, इसे हम कहते हैं द डॉर्सल मेसेनकाइमल प्रोट्रूजन। ठीक है, ये इसका था फ्रंटल एस्पेक्ट कंप्लीट। अब अगर हम इसकी पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर बात करें, तो दिस वन इज नोन एज द सुपीरियर वेना कैवा, दिस इज द इंफीरियर वेना कैवा, दिस इज द कोरोनरी साइनस एंड दिस इज द लेफ्ट लेफ्ट साइनस हॉर्न। अभी इसने ऑब्लिट्रेट कर जाएगा, मगर अभी इनिशियल स्टेजेस हैं, तो हम इसे लेफ्ट साइनस हॉर्न कहेंगे। ठीक हो गया। एंड आई थिंक दिस इज इट। और इसी की ही स्टेज को अपने माइंड में विजुलाइज करके अभी हमारे पास इसकी नेक्स्ट स्टेज आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, हमें क्लैरिफाइड नजर आ रहा है कि जो ब्लू वाला था वो है सेप्टम प्राइमम। ठीक है, अब ये जो येलो में है, दिस इज द सेप्टम सेकेंडम। ठीक है, अब जो सेप्टम सेकेंडम के अंदर ओपनिंग आ रही है, दिस वन इज नोन एज द फॉरमेन ओवेल। ठीक है, और ये हमारे पास आ रहा है सेप्टम प्राइमम, और जो इसमें ओपनिंग है ये इसे कहते हैं ऑस्टियम सेकेंडम। ठीक है, बट फॉर ऑस्पिक पर्पज दिस इज द सेप्टम प्राइमम एंड दिस इज द सेप्टम सेकेंडम। ठीक है, दिस इज द सेप्टम स्पूरियम, दिस इज द राइट वीनस वाल्व, दिस इज द लेफ्ट वीनस वाल्व, इस ओपनिंग का नाम है साइनो एट्रियल ऑरिफिस। ठीक हो गया। और इस वाली चीज को हम कहते हैं जो अब रेड में है, इसे हम कहेंगे मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, और ये हमारे पास आ रहा है मस्कुलर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये हमारे पास एंडोकार्डियल क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास एंडोकार्डियल क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें लेफ्ट एट्रियम की, हमने पहले कहा था कि ये जो ओपन हो रहा है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी वेन, और ये जो ग्रे में आ रहा है, ग्रेश ब्लूश में, इसे हम कहते हैं द डॉर्सल मेसेनकाइमल प्रोट्रूजन। ठीक हो गया। और ये जो अब हमारे पास, अगर इसका फ्रंटल एस्पेक्ट आई गेस कंप्लीट है, अब अगर हम बात करें तो ये तो पता ही है कि दैट दिस इज द, अगर यहां पॉइंट लगा होगा तो हमने कहना दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक हो गया। अब इसी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर जरा बात करें, तो सेम टू सेम पिछले वाले की तरह ही है कि दैट दिस इज सुपीरियर वेना कैवा, इनफीरियर वेना कैवा, द कोरोनरी साइनस एंड दिस इज द लेफ्ट साइनस हॉर्न, जो कि बाद में भी ऑब्लिट्रेट करेगा। इसी चीज को अगर विजुलाइज किया जाए, तो अब इसकी कंप्लीट स्टेज एक तरीके से क्या, हमारे पास इंटर एट्रियल भी बन गया और हमारे पास इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम भी बन गया। सो दिस इज द इंटर एट्रियल सेप्टम भी बन गया और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम भी बन गया। अब ये जो येलो में नजर आ रहा है, दिस इज द सेप्टम सेकेंडम, दिस आइस ब्लू के अंदर जो आ रहा है, दिस इज द सेप्टम प्राइमम, दिस इज द सेप्टम प्राइमम, दिस इज द सेप्टम सेकेंडम। अब इंटरनल व्यू से अगर देखा जाए, तो ये जो हमें एक ओपनिंग नजर आ रही है, दिस ओपनिंग इज द फॉरमेन ओवेल, बट ये जो अब ब्लू में नजर आ रहा है, अगर इस ब्लू के ऊपर कलर हुआ होगा, पिन लगी होगी, तो हमने इसे कहना है द वाल्व ऑफ द फॉरमेन ओवेल। ठीक है, बना कौन रहा है, सेप्टम प्राइमम, और इसे कहते हैं वाल्व ऑफ फॉरमेन ओवेल। ठीक है, अब ये जो हमें एक लाइन नजर आ रही है, दिस डिफरेंशिएशन लाइन, दिस इज नोन एज द क्रिस्टा टर्मिनालिस। ठीक हो गया, दिस इज द क्रिस्टा टर्मिनालिस, सेप्टम सेकेंडम, सेप्टम प्राइमम, दिस इज द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दिस इज द मस्कुलर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये दोनों मिल गए हैं। ठीक है, दीज आर द एंडोकार्डियल क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारे पास देखो फोर पल्मोनरी वेन्स आर ओपनिंग इन द लेफ्ट एट्रियम। अब ये ज्यादा आगे की स्टेज है, तो इसलिए चारों की चार पल्मोनरी वेन्स ओपन हो गई हैं। दिस इज द राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर अब जरा ज्यादा चेंजेस आए हैं। ठीक है, इसके अंदर ये सुपीरियर वेना कैवा आ गई, ये इनफीरियर वेना कैवा आ गई, दीज आर द फोर पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है कोरोनरी साइनस। ठीक है, अब ये जो एक ऑब्लीकली जा रही है ना, इसकी ऑरिएंटेशन देख लो कि ये ऑब्लीक है, तो एक ही वेन होती है जिसे हम कहते हैं ऑब्लीक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, और ये जा भी लेफ्ट एट्रियम की तरफ ही है, तो इसका इजी पॉइंट ये है कि इसकी ऑरिएंटेशन देख लो, तो ऑब्लीक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, और ये जो मिड में आ रही है ना, तो इसे हम कहेंगे मिडल कार्डियक वेन। तो नाम से, लोकेशन से देख लो, दिस इज द मिडल कार्डियक वेन, दिस इज द ऑब्लीक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द कोरोनरी साइनस, दिस इज द सुपीरियर वेना कैवा, इनफीरियर वेना कैवा, एंड द पल्मोनरी वेन्स, एंड आई थिंक दिस इज फिनिश। एंड दिस इज द प्राइमोडियम ऑफ द पल्मोनरी वेन, ये भी प्राइमोडियम है, ये भी प्राइमोडियम है। अब यहाँ पल्मोनरी वेन्स हमारे पास बन गई हैं। फ्रंटल व्यू से अगर देखना, सो दिस इज ऑल द इनिशियल स्टेजेस। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हमारे पास आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, एंड नाउ द फाइनल स्टेज इन विच द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स सेप्टम हैव बीन फॉर्म्ड।